हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ beatstoff.com वेबसाइट के बारे में कि गाइस ये जो वेबसाइट है ये फेक वेबसाइट है या फिर रियल वेबसाइट है। गाइस, इसकी जो वेबसाइट देख रहे हैं आप, इसका आड आपको गूगल और या फिर यूट्यूब में भी आपको सर्च कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये beatstoff.com फेक या रियल प्रूफ के साथ, क्योंकि गाइस इस वेबसाइट मेंशन किया है कि बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको सस्ते प्राइस में दे रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं JBL, सोनी प्रोडक्ट और भी बहुत सारे बोस कंपनी और भी बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये कॉम्बोस में ये सेल कर रहा है और सस्ते प्राइस में भी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर, जैसे आप देख रहे थे JBL का यहाँ पे ब्लूटूथ और सोनी का भी ब्लूटूथ, दोनों का जो प्राइस है कॉम्बोस प्राइस 1599 रुपीज़ है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो आपको और भी प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक कंपनी जो वो है बोस, उसका आपको यहाँ पे ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है सेम प्राइस है 1599 रुपीज़ है। और JBL का हेडफोन और बोस का ये जो ईयरपॉड्स, ये इसका जो प्राइस है ये भी 1549 रुपीज़ है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कॉम्पस ऑफर चार्ज 4 पोर्टेबल स्पीकर एंड केट वायरलेस ईयरबड्स, आपको यहाँ पे JBL का बॉक्स, इसके साथ आपको और एक कंपनी का ईयरबड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है सेम ही है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड है आपको सिर्फ 1599 रुपीज़ में ये वेबसाइट सेल कर रहा है। तो चलो आज बात करेंगे कि ये जो वेबसाइट, ये जितने भी सारे प्रोडक्ट मेंशन किया है, क्या ये सही में मतलब कि यार सही प्रोडक्ट है या फिर कोई गलत प्रोडक्ट है, यानी कि यार ये वेबसाइट फ्रॉड है या फिर रियल है। प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले चलो बात करते हैं कुछ वेबसाइट के बारे में। तो पहले हम क्या करते हैं ना, अबाउट ऑप्शन पर जाते हैं, क्योंकि यार हमको थोड़ा ये जो वेबसाइट ये beatstoff.com इसके बारे में। और गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यदि beatstoff.com से यदि कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो फिर आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी एसोसिएटेड इन टर्म्स ऑफ कलर एंड क्वालिटी एज पर द अवेलेबिलिटी। वी सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ ए लॉट एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मे गेट चेंज। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रिटर्न एंड रिफंड। जैसे आप देख रहे इन लिक्विडेशन सेल वी डोंट गारंटी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कलर एंड एज द प्रोडक्ट्स आर द लोएस्ट प्राइस एंड सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी द अकॉर्डिंग टू द लो। इसका मतलब कि ये मेंशन किए है कि हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं क्वालिटी, कलर और रिफंड पे, यानी कि शायद आपको कोई डैमेज प्रोडक्ट मिले चाहे आपको कोई प्रोडक्ट ना मिले, ये वेबसाइट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और गाइज, इसके साथ आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर ये वेबसाइट आपसे कोई भी प्रोडक्ट का रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट भी नहीं करने वाला है। ये ऑलरेडी वेबसाइट मेंशन किया है, लेकिन गाइज बहुत सारे लोग हैं वेबसाइट को विजिट करते हैं लेकिन टर्म और कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये वेबसाइट ना मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि गाइज इन फ्यूचर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ और आप इस वेबसाइट को लेकर लीगल एक्शन लेने के लिए जाओगे तो ये वेबसाइट का जो ओनर है ना ये यही बोलेगा कि हम तो ऑलरेडी मेंशन किए थे हमारे टर्म एंड कंडीशन पे कि हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले या फिर आपको कोई भी डैमेज प्रोडक्ट मिल सकता है, हम गारंटी नहीं दे रहे कि आपको सही प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऑलरेडी मेंशन किए हैं। लेकिन यार आप टर्म कंडीशन तो नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। और गाइज यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी में और भी मेंशन किए हैं कि रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी 15 डेज रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑन आर beatstoff.com। तो गाइज ये मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहे, जबकि आप अबाउट सेक्शन पे मेंशन किए हैं कि हम कोई रिटर्न या रिप्लेसमेंट नहीं करने वाले हैं, तो फिर आप एक रिटर्न पॉलिसी में ये कैसे ये मेंशन किए हैं कि 15 डेज रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपका अवेलेबल है। इसका मतलब कि ये लोग है ना, ये जिसने भी इस वेबसाइट को बनाया है ना, बस लोगों को बेवकूफ करने के लिए, क्योंकि गाइस लोग तो अबाउट सेक्शन पे नहीं जाने वाले, लोग सिर्फ रिटर्न पॉलिसी में ही ओपन करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि यार इसमें तो 15 डेज का रिटर्न पॉलिसी है, चलो प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं उसके बाद हम रिटर्न भी कर देंगे। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलने वाला है। और आपको इस वेबसाइट में एक फोन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा जो भी कॉन्टैक्ट ऑफर है, जिसे आप देख रहे हैं ये वाला जो नंबर है, चलो मैं इस नंबर को डायल करके देखूंगा कि ये नंबर सही में सही है या फिर गलत है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं, ठीक है, ये 1800 वाला, ये नंबर सही नंबर नहीं है। मैंने इसको कोशिश किया डायल करने के लिए, लेकिन आई फिर बोल रहा है कि आप जो नंबर पे डायल किए हैं ये सही नंबर नहीं है, जरा नंबर को चेक करके डायल कीजिए। तो यानी कि ये जो नंबर यहाँ पे दे दिए हैं वो गलत नंबर है, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाला है इस नंबर से।
और गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बेस्ट सेलिंग पे जितने भी सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, जेबीएल का हो या फिर सोनी का हो या फिर बोस का हो, ठीक है, और भी जितने भी सारे कंपनी का यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको शो कर रहा है, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ठीक है। ये जितने भी सारे कंपनी यहाँ पे मेंशन किया गया, ये सारे ब्रांडेड कंपनी है। सोनी का नाम शायद आप सुने होंगे कि कितना बड़ा कंपनी है, ठीक है, जेबीएल वो भी काफ़ी बड़ा कंपनी है, ठीक है। तो गाइस ये सारे ब्रांडेड कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 1599 रुपीज़ में बेच रहा है। कोई भी प्रोडक्ट मैं ओपन करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे एक JBL का प्रोडक्ट मैं ओपन किया, यहाँ पे बोस का ईयरबड्स, इसके साथ JBL का हेडफोन, ठीक है। आप यदि गूगल करेंगे तो JBL का हेडफोन आपको लगभग यार 3000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, JBL का जो हेडफोन। लेकिन गाइस यहाँ पे ये JBL का हेडफोन, इसके साथ बोस भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडेड कंपनी है, उसका एक ईयरबड्स आपको सिर्फ 1599 रुपीज़ पे ये सेल कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप यदि ये प्रोडक्ट को बाय करेंगे इस वेबसाइट से तो आपको यहाँ पे कोई भी बोस का ईयरबड्स नहीं मिलने वाला है या फिर JBL का कोई हेडफोन नहीं मिलने वाला है। तो गाइस आप यदि इस वेबसाइट से ये वाला प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, सपोज आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, यहाँ पे तो जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो भी फ्रॉड है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट किसको करेंगे। मैंने आपको बताया था ना JBL का जो हेडफोन है उसका जो प्राइस है लगभग 3000 आसपास आएगा। तो यार जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे amazon.in पे JBL का ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हेडफोन है, ये अभी सेल हो रहा है 2999 रुपीज़ में। और गाइज बोस का ये जो देख रहे हैं ये जो स्पोर्ट्स वाला ईयरबड्स, इसका जो प्राइस है अमेजोन पे अभी सेल हो रहा है 17,990 रुपीज़। यदि हम दोनों प्रोडक्ट का जो प्राइस है इसको हम कैलकुलेशन करें तो 20,000 प्लस हो रहा है। तो यार एक बात सोचो, जो प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 रुपीज़ है तो उसको कैसे कोई कंपनी सिर्फ 1,500 रुपीज़ में सेल करेगा, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। यदि कोई कंपनी ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, राइट गाइज। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको जितने भी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, चाहे JBL का बॉक्स हो, चाहे JBL का ईयरबड्स हो या फिर सोनी का ईयरबड्स, सभी का प्राइस आप देखेंगे और सभी का प्राइस आप देखेंगे जाकर गूगल पे चेक करेंगे तो आपको 5000 प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट सिर्फ आपको 1599 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपको कोई भी यहाँ पे JBL या सोनी या फिर बोस का प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। आप यदि इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपको कोई चाइनीज या फिर कोई सस्ते वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, या फिर चाहे आपको प्रोडक्ट ना भी मिले, ठीक है, तो गाइस उसके बाद आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि हम रिटर्न पॉलिसी नहीं देते हैं। और इस वेबसाइट पे आपके साथ यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कंप्लेन भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट जो नंबर दिया गया है वो भी गलत है। और गाइस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं whois.com को ओपन किया हूँ, क्योंकि मैं इस डोमेन के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए इस वेबसाइट को ओपन किया हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं जो डोमेन है beatsstuff.com, ये godaddy.com से रजिस्टर हुआ है, और कब रजिस्टर हुआ है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2021 May 31 को ये रजिस्टर हुआ है और एक साल के बाद ये एक्सपायर होने वाला है। यानी कि गाइज ये जो डोमेन है सिर्फ एक साल के लिए रजिस्टर किया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया हूँ कि यार जो भी डोमेन आप देख रहे हैं फैशन कंपनी के, एक साल के लिए डोमेन रजिस्टर किया गया है, वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि यार लोगों के साथ फ्रॉड करना है उसका मकसद है। तो फिर ये एक साल के डोमेन को रजिस्टर करेंगे, एक साल के बाद डोमेन और वेबसाइट को बंद करके और कोई दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे। तो उनका मकसद ये है कि एक साल के अंदर जितना हो सके उतने लोगों को लूटेंगे। तो गाइस चलो बात करता हूँ कि मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है इस वेबसाइट को लेकर। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि गाइस ये जो वेबसाइट है ये, तो चलो गाइस बात करते हैं कि मेरा खुद का ओपिनियन क्या है इस वेबसाइट को लेकर। तो गाइस जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि ये जो वेबसाइट में जितने भी सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और मैंने ऑलरेडी आपको इसका ओरिजिनल प्राइस भी सर्च करके मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि इस वेबसाइट से ये वाला जो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो आपको कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, ना कोई सोनी, ना कोई आपको JBL या फिर ना कोई बोस का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। यदि भी कुछ मिलेगा तो फिर कोई चाइनीज या फिर कोई सस्ते वाला प्रोडक्ट आपको ही मिलेगा, ठीक है, जो कोई भी वैल्यूलेस होगा। अन रहा रिटर्न का, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि हम रिटर्न नहीं करेंगे अबाउट सेक्शन पे, और उसके बाद ये रिटर्न पॉलिसी पे ये मेंशन किए हैं कि हम रिटर्न कर रहे हैं 15 डेज का आपको यहाँ पे टाइम दे रहे हैं।
तो और इसके बाद इसका हम बात करेंगे कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर ये दिए थे वो मोबाइल नंबर भी गलत है। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो ठीक है, तो आप कैसे रिटर्न करेंगे? क्योंकि यार कोशिश करेंगे डायल करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो फिर आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा इस वेबसाइट के साथ, ठीक है। और सेकेंड बात ये है कि इस वेबसाइट का ओनर कौन है, वेबसाइट का जो कंपनी कहाँ पर है, कुछ भी डिटेल्स नहीं है वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट का जो सोशल मीडिया पे कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। और आप देखेंगे तो अगर कोई भी ब्लॉग या कोई बंदा शुरू करता है वो चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए। लेकिन गाइस आप देखेंगे इस वेबसाइट का ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और ये वेबसाइट काफ़ी यंग और ये वाला जो वेबसाइट है ये काफ़ी न्यू वेबसाइट है, ठीक है। तो यार मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि मैं आपको तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये वेबसाइट से कोई भी सामान को परचेस करने के लिए, ठीक है। और गाइस मैं आपको ऑलरेडी इतना सारा प्रूफ दे चुका हूँ, आपका ओपिनियन क्या है उस वेबसाइट को लेकर मुझे कमेंट करके बताओ। और गाइस जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करो यदि आपको ये वैल्यूबल लगता है तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।